सुन सुलेमान, हमारी बात मान। आज रात को तुम्हें इस महल से राज नर्तकी उर्वशी का अपहरण करना है और उसके बाद उसे हमारी बताई हुई जगह पर ले जाके रख देना है। इस काम की 1000 मोहरे हुजूर। कौन है वहां? चल देख, देखते। अरे क्या कर रहे हो सुलेमान, अभी खुद भी पकड़े जाते और हमें भी पकड़ावा देते। हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुम्हें एक गुप्त रास्ते के जरिए इस महल से बाहर निकाल देंगे। बीरबल, क्या ढूंढ रहे हैं आप? जापना अगर सचमुच में कोई आकर उर्वशी को उठा कर ले गया तो उसने कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत जरूर। जापना एक ऐसी बूटी है जिसे सुंघाने से इंसान बेहोश हो जाता है। ये देखिए जापना, इस खिड़की पर मिट्टी लगी हुई है। और ये देखिए, यहां पर जूतियों के निशान है। और गौर फरमाइए, ये जो भी इंसान है इसके दाएं पैर की जूती बाएं पैर से छोटी है। बीरबल, जिसने भी ये हरकत की है उसे जल्द से जल्द पकड़िए। बलदेव जी। जी जी, आप जाकर राज्य के सारे मोचियों से पूछताछ कीजिए। उनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लिए उन्होंने ऐसी जूती बनाई जिसमें दाईं पैर की जूती बाईं पैर की जूती से छोटी हो। कहाँ है हमारी उर्वशी? मुझे नहीं पता। क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कल रात को मैं महल गया ही नहीं। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद तुम्हारी मदद की थी उर्वशी को भगा कर ले जाने में। दादे सलीम, वो मैं नहीं था, कोई और होगा। इसका मतलब हमने जिसकी मदद की वो असली में उर्वशी का अपहरण करके ले गया। भगवान, ये हमने क्या कर दिया? अरे ये सोचिए सलीम भाई साहब, जब फूफू को ये सब पता लगेगा तो आपका क्या हाल करेंगे हा? इन दोनों के पैरों के माप उर्वशी के कमरे से मिले पैरों के माप से हूबहू मिलते हैं। हुजूर, हमने अपहरण नहीं किया। हुजूर, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। हुजूर, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। हम हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहते, गलती हो गई हमसे, आप जा सकते। लेकिन जाने से पहले हम आपको इनाम देना चाहेंगे, पर इनाम उसे ही मिलेगा जो वासु को उठा कर दिखाए। आइए कोशिश कीजिए। आप भी आइए। आइए वाह, मेरा इनाम। आपका इनाम यही है मुजरिम, इसी ने उर्वशी का अपहरण किया है। क्यों किया तुमने उर्वशी का अपहरण, बताओ? वो हुजूर, फिरौती के लिए। कहाँ है उर्वशी? वो पहाड़ी वाले गुफा के पीछे। सिपाहियों, ले जाओ उसे और कैद खाने में डाल दो। शहजादे सलीम, हमारे साथ साथ आपकी भी मेहनत बेकार हो गई ना? आप हमें बताएंगे या फिर जापना को? जापना? मुझे पता है सलीम भाई साहब, फूफू की जूतियां खाने से अच्छा आप बीरबल जी की डांट ही सुन लो। हाँ दीमाम, तू सही कह रहा है वासु। बीरबल जी, हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमने उर्वशी जी का प्यार पाने के लिए किया था। हमने सोचा कि हम उनका अपहरण करवाएंगे, फिर उन्हें बचाएंगे और उन्हें हमसे प्यार हो जाएगा, इसीलिए ये सब किया। उर्वशी, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गई। जापना, अगर आपको किसी का शुक्रिया अदा करना है तो बीरबल जी का कीजिए।
इन्होंने हमारी जान बचाकर हमारा दिल जीत लिया है। क्या? अगर इन्होंने आपका दिल जीत लिया तो फिर हमारा क्या होगा? वाह बीरबल वाह, आपकी समझदारी और होशियारी बेमिसाल है। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।